वेलकम बैक टू माय किचन। आफ्टर दिवाली ये मैं पहली रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि किड्स स्पेशल, किटी स्पेशल, पार्टी स्पेशल, आप समझ लो कोई भी तरह की पार्टी में हम इसे बहुत ही अच्छा इवनिंग स्नैक्स की तरह बना सकते हैं। और ये इतना टेस्टी और यमी होता है कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और ये बहुत ही फटाफट से बन जाता है। मैं इसका डिप भी आपको बताऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप और हम बनाते हैं इसकी रेसिपी। ये हमने 4 आलू लिया है बॉईल करके, इसका छिलका उतार लिया है, इसे हमें मैश कर लेना है एक बार अच्छे से। अब इसमें हमें ऐड करना है 1 कटा हुआ बारीक प्याज, 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, यहाँ पर मैंने 1 इंच का अदरक ग्रेट करके लिया है और कुछ 3-4 लहसुन की कली को ग्रेट करके लिया है। आप इसकी जगह इसका पेस्ट भी ले सकते हो, पर मुझे ये ग्रेट करके ज़्यादा पसंद है तो मैं वो ऐड कर रही हूँ इसमें। ये यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स तैयार किया है, फ्रेश ब्रेड को लिया है 3-4 पीस को, उसको मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, इस तरह का बारीक पाउडर रेडी हो गया, वो हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर हम 1/4 टीस्पून इटालियन सीजनिंग का डालेंगे, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून काला नमक, थोड़ा सा हम अमचूर डालेंगे 1/4 टीस्पून से हल्का सा कम, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, ये ऑप्शनल है, थोड़ा सा हम इसमें कटा हुआ धनिया मिलाएंगे बारीक कटा हुआ। अब हमें इन सबको अच्छे से बाइंड कर लेना है, इनका एक मिक्सचर तैयार करके तरह से रेडी करके इसके छोटे छोटे हमें बॉल्स बनाने हैं। हमें अपने हाथों को इस तरह से ग्रीस कर लेना है ऑयल से और अब इसके छोटे छोटे हमें बॉल्स जैसे बना लेंगे। इस तरह से हमें सारे बॉल्स रेडी कर लेने हैं। हमने सारे बॉल्स इस तरह से बनाकर रेडी कर लिए हैं। 4 आलू में भी देखिए काफ़ी बॉल्स बनकर रेडी हो गए हैं। यहाँ पर हमने मैदा लिया है, ये 2 टेबलस्पून मैदा है, इसमें हमें पानी डालकर इसकी स्लरी बना लेनी है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स पीस कर लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ऑरिगैनो का, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अब हमें इसे मिक्स कर लेना है इस तरह से। ये देखिए हमारा स्लरी भी रेडी है, बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी फ्लोइंग। अब हमें अपना ये एक एक रोल्स इसमें डालना है और इसमें निकाल कर लगाना है। ये हमें इस तरह से स्लरी में डिप कर लेना है, उसके बाद हमें इसे इसमें डालकर अच्छे से इसको कोटिंग कर लेना है। इसमें लेने के बाद थोड़ा सा हाथ में दबाकर इस तरह से प्रेस कर देना है जिससे कि इसमें ब्रेड क्रम सेट हो जाए। इस तरह से इसे रेडी करना है। ये देखिए मैं एक और बताती हूँ आपको। ये इस तरह से लगाना है और फिर इसको हाथों से इस तरह से प्रेस कर देना है जिससे कि पूरी क्रम्स की क्रोटिक कोटिंग अच्छे से हो जाए इसमें। देखिए हमने सारे बॉल्स को कोटिंग कर लिया है, इस तरह से ये रेडी हो गया है। हमने एक पैन गैस पे चढ़ाया है, उसमें ऑयल रखा है फ्राई करने के लिए। तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा गर्म पे भी नहीं डालना है, बहुत ठंडे में भी नहीं डालना है, बस अच्छा गर्म होना चाहिए। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे हमारे बॉल्स को। आप देखिए हमारे बॉल्स कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं, आप देख सकते हो। इसे हमें पलटते रहना है। गैस का आप ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा फुल भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं हो, मीडियम में करना है इसे फ्राई। अब हम इसके लिए बनाएंगे इसका डिप। डिप के लिए हमने एक बाउल में थोड़ा सा चीज़ लिया है, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ये थोड़ा चीज़ है, इसे हमें कट कर लेना है। ये हमने दूध ऐड कर दिया है, अब हम इसे डबल बॉयलर से मेल्ट कर लेंगे या कढ़ाई में डालकर भी आप मेल्ट कर सकते हो, और अगर माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में मेल्ट कर। चीज़ डिप बिल्कुल रेडी है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑरिगैनो और मिक्स कर लेना हमें इसे। ये हमारा डिप बिल्कुल रेडी है इसके साथ सर्व करने के लिए।
ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा। अभी रेडी हो रहे हैं, बस अब हम इसे निकालेंगे। मैंने गैस कम पे कर दिया है। अब हम अपने बॉल्स इसमें निकाल लेंगे। आप देखिए कितना अच्छा फ्राई हुआ है। आप देख सकते हो कितना सुंदर हमारा पॉप्स बनने वाला है। बाकी के बॉल्स को भी हम ऐसे तल लेंगे। अब आप इसे कोई भी पेपर नेपकिन में निकाल दें। देखिए हमारे पॉप्स बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसको लॉलीपॉप्स बना देते हैं। हमें उसके लिए ये टूथपिक लेना है और इसके अंदर इस तरह से फंसा देना है सबके अंदर। ये देखिए इस तरह से ये हमारा रेडी हो गया। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बना है, आप देख सकते हो उसको। अब हमें इसे ये चीज़ डिप के साथ हमें इसे एंजॉय करना है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा लॉलीपॉप्स। ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। चीज़ डिप्स के साथ तो इसका मज़ा दुगना हो जाता है। तो आप लोग इसको ज़रूर से बनाकर ट्राई करें। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बाय।